दोस्तों साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और चलिए, प्रस्तुत हूं मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 चूज करेक्ट वन आपके सामने है। क्वेश्चन में आप देखो कि यहां पर थोड़ा सा हमारे इंक का कलर जरूर चेंज हुआ है, चौक का कलर, और लेकिन क्वेश्चन वही है आपके सामने। आप देख पा रहे हैं कि यहां से लेकर, ध्यान देना दोस्तों, यहां से लेकर ये आपका यहां तक क्वेश्चन है, ठीक है ना। बोर्ड की साइज जो है हमारे क्वेश्चन के सामने थोड़ी छोटी जरूर लग रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो कि क्वेश्चन हमारा जो है यहां से लेकर दोस्तों यहां तक का क्वेश्चन है, और ये हमारे ए बी सी डी और ई जो है हमारी ऑप्शंस है। आप लोगों को पता है किस तरह की ऑप्शंस होती है, या तो ऑल करेक्ट होंगे, ऑल रॉन्ग होंगे, ओनली टू पार्ट्स आर करेक्ट, या फिर थ्री पार्ट्स आर करेक्ट, या फोर पार्ट्स आर करेक्ट, ये आपके ऑप्शंस है। यहां क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, केवल शब्द नहीं, केवल एक वर्ड नहीं, पूरा एक ग्रुप है। जैसे आप देखो नो नेशन कांट, ये आपका एक पार्ट हो गया, ध्यान देना, ये आपका पार्ट वन कहलाएगा, ठीक है ना दोस्तों। उस तरीके से आपको देखना है, पहले पूरी स्ट्रैटेजी हमको समझनी पड़ेगी, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। उसी तरीके से ये आपका पार्ट टू है, और ये आपका थर्ड, पूरा ग्रुप का दो वर्ड का एक ग्रुप है, फिर ये आपका फोर्थ, और ये आपका फाइव पार्ट है। तो टोटल आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पांच पार्ट है, ठीक, क्लियर हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब बताना है कि या तो सभी करेक्ट है, किसी पार्ट में कोई एरर नहीं, या फिर सभी में कुछ ना कुछ एरर है, या फिर दो एरर जो है वो, दो पार्ट जो है वो करेक्ट है, या थ्री पार्ट करेक्ट है, या फोर पार्ट करेक्ट है, ये हमको बताना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, नो नेशन कांट बी सेड डेवलप और प्रोग्रेस इफ अ सिंगल सिटीजन हैज एम्प्टी स्टमक, द पैरामीटर ऑफ डेवलपमेंट शुड बी द हंगर एंड पॉवर्टी फ्री नेशन, नॉट द वेल्थ ऑफ द पीपल। क्या यहां पर मीनिंग निकल कर आ रहा है, पहले मोटा मोटा मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं, फिर एरर सॉल्व करेंगे। यहां बताया जा रहा है कि नो नेशन कांट बी सेड डेवलप और प्रोग्रेस, की कोई एक देश, कोई भी देश जो है वो ना तो उन्नत अपने आप को माना जाएगा, या ना वो प्रोग्रेस, तरक्की करता हुआ देखा जाएगा, यदि अ सिंगल सिटीजन हैज एम्प्टी स्टमक, कि यदि एक भी उस देश का नागरिक अगर वो खाली पेट है, मतलब एक भी नागरिक अगर वहां पर भूखा है, तो वो देश आप उसको डेवलप उन्नत देश की कैटेगरी में आप उसको नहीं रख सकते, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो गया। आगे जो पैरामीटर ऑफ डेवलपमेंट शुड बी द हंगर एंड पावरमेंट पावर्टी, कि ये जो मापदंड है, किस तरीके से आपको तरक्की को मापना है, वो आपको देखना है कि यदि हंगर और पावर्टी जो है, हंगर और पावर्टी फ्री नेशन, वो आपको देखना है कि उस, वो देश जहां पर कोई भी वहां का नागरिक भूखा नहीं है और कोई भी गरीबी वहां पर नहीं है, उस हिसाब से देखा जाना चाहिए कि वो देश डेवलप्ड है या फिर अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, ये यहां पर बोला जा रहा है। और ना कि वेल्थ ऑफ अ पीपल, मतलब किस व्यक्ति या उस देश में कितने धनाढ़ लोग हैं, कितने रईस अमीर लोग हैं, उस बिना पर उस देश की डेवलपमेंट नहीं देखते हुए, किस बिना पर देखा जाना चाहिए कि उस देश में कितनी कम गरीबी है, कितने कम भूखे लोग हैं, ठीक, क्लियर हुआ। ये आप, हमने एक मोटा मोटा इसका मीनिंग समझा। अब देखते हैं, काफी सारे एरर आप लोग पहले ही इस पर पकड़ पाए, ठीक है, काफी एरर है। देखो फर्स्ट हमारा जो ग्रुप है, नो नेशन कांट, तो इसके अंदर एक बहुत बढ़िया एरर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, इसलिए क्योंकि देखो नो पहले ही है भाई, नहीं पहले ही नेगेटिव शब्द है, और ये आपका नेगेटिव है, नो नेशन, और आपने लिख दिया कांट, कि कोई भी देश नहीं, कभी नहीं, भाई दो दो बार नहीं नहीं कर कहने का मतलब क्या है, दो दो बार नहीं और नहीं कहने का मतलब है हाँ, नहीं, मैं नहीं नहीं
ठीक है। तो नहीं नहीं दो बार कहने का मतलब होता है हाँ, ठीक है, दो बार नहीं हो गया तो हाँ हो गया। तो इस तरीके से ये आपका सेंटेंस पॉजिटिव मीनिंग कुछ और हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे नो नेशन कांट बी सेड नहीं होने वाला है। क्या हो जाएगा दोस्तों? नो नेशन कैन, ये आपका सही हो जाएगा कि नो नेशन कैन बी सेड। अच्छा, कोई भी देश क्या नहीं कहा जा सकता, कैन बी सेड। देखो ये तो क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखो कि क्या लिखा है, सेड। अब ये ध्यान रखना दोस्तों कि सेड आपका जो है कैन बी सेड, कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, कैन बी सेड डैश और डैश, तो वो क्या कहा जा सकता है, ये आपका डेवलप या प्रोग्रेस नहीं होगा, डेवलप्ड और प्रोग्रेस्ड होगा। और ऐसा क्यों होगा वो मैं आपको बता देता हूं। आप बोलोगे सर पहले ही यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, फिर आप डबल से सेकंड फॉर्म क्यों ले रहे हो? ठीक है, क्वेश्चन तो आया होगा दोस्तों माइंड में, मैं आपको बता देता हूं और मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, अगर आप इसको केवल डेवलप या प्रोग्रेस लेते हैं तो ये वर्ब की तरह काम करेगा भाई। इसको अगर आपने केवल डेवलप या प्रोग्रेस लिया तो ये क्रिया की तरह काम करेगा, उसको क्रिया की तरह काम नहीं हो रहा है यहां पर। यहां पर देखो नो नेशन, उस नेशन की कुछ क्वालिटी बताई जा रही है, ये बताया जा रहा है कि वो नेशन कैसा नहीं होने वाला है, वो नेशन उन्नत नहीं, देश उन्नत नहीं होने वाला है, तरक्की नहीं करने वाला है। मतलब यहां पर ये दोनों वर्ड आपके एडजेक्टिव्स हैं दोस्तों, ठीक है ना। क्या है ये दोनों वर्ड यहां पर? एडजेक्टिव्स है, ये आपके विशेषण है जो इस देश, इस नेशन की विशेषता बताने के लिए काम में आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि आप वर्ब को एडजेक्टिव में कैसे परिवर्तित कर सकते हो, उसमें ईडी लगा दो। क्या करो, सीधी सी बात है, उसके अंदर ईडी लगा दो या फिर आईएनजी लगा दो। तो सेड डेवलपिंग मीनिंग के हिसाब से यहां पर फिट नहीं हो रहा है भाई, या तो आईएनजी लगा दो या ईडी लगा दो, वो आपका एडजेक्टिव की तरह से लाम ठोकेगा। ठीक है, क्लियर हुआ, काम करेगा। तो चलिए यहां पर हमने समझ लिया, ठीक है, नो नेशन कैन बी सेड डेवलप्ड और प्रोग्रेस, ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इफ अ सिंगल सिटीजन हैज, यदि एक सिंगल, एक भी कोई सिटीजन हैज एम्प्टी स्टमक, अगर एक सिंगल सिटीजन भी कैसा रहा, भूखे पेट रहा, तो वो आपका डेवलप्ड या फिर प्रोग्रेस नहीं कहा जाएगा। तो देखो एम्प्टी स्टमक, यहां देखो कोई सिटीजन कैसा होगा, एम्प्टी स्टमक होगा, भूखे पेट होगा। यहां ध्यान रखना कि ये हैज आपका मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, तो देखो ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका मेन वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट, और उस हिसाब से यहां पर बिल्कुल सही है कि ये नाउन स्टमक हो गया और एम्प्टी जो है ये आपका एडजेक्टिव हो गया। इस हिसाब से यहां पर ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो यहां तक एक बार फिर से देखो, नो नेशन कैन बी सेड डेवलप्ड एंड और प्रोग्रेस, देखो ये एंड और दोनों सही है। ठीक है, एंड प्रोग्रेस या और प्रोग्रेस दोनों सही है। ठीक है, केवल एरर हमारा यहां पर किसका है, ईडी का, जो कि एडजेक्टिव के फॉर्म में ये लेता है। तो अगर इफ द सिंगल सिटीजन हैज एम्प्टी स्टमक, यहां तक क्लियर हुआ, एक एरर हमको पता चली, एक हमारा सही है, दो एरर और एक सही। आगे बढ़ते हैं, द पैरामीटर, जो मापदंड किस चीज के, ऑफ डेवलपमेंट शुड बी द हंगर एंड पॉवर्टी, क्या होना चाहिए पैरामीटर, द हंगर एंड पॉवर्टी। दोस्तों बहुत बढ़िया, आपके सामने एक हिंट है, क्या हिंट है कि द लगा हुआ है और द लगता है तो उसके बाद नाउन आता है। ठीक है, तो ये देखो हंगर भी हमारा नाउन है और पॉवर्टी भी नाउन है, कोई इश्यू नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो शुड बी द हंगर एंड पॉवर्टी फ्री नेशन, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, नॉट द वेल्थ ऑफ द पीपल, और क्या बोला जा रहा है कि नॉट, ना कि, क्या नहीं है कि वेल्थ ऑफ द पीपल नहीं है। तो देखो द लगा है और द के बाद तो हमारा क्या आना है दोस्तों, नाउन ही आना है, जाहिर सी बात है, तो मतलब ये भी करेक्ट है। तो आप खुद बता दो जरा,
कितने पार्ट सही हैं और कितने पार्ट रॉन्ग हैं। शुरू के दो पार्ट हमारे रॉन्ग दिख रहे हैं, बाकी के सारे पार्ट बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो देखो रॉन्ग का तो यहां पर कुछ जिक्र नहीं किया हुआ है, जिक्र किया हुआ है किसका, करेक्ट का। बताओ जरा कितने पार्ट करेक्ट है, 1, 2 और 3 पार्ट्स आर करेक्ट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों, 3 पार्ट्स आर करेक्ट, ठीक है ना दोस्तों, क्लियर हुआ। 3 पार्ट आपके करेक्ट हैं, 2 पार्ट आपके रॉन्ग हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए दोस्तों स्वागत फिर से, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका जो 17 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, और आप देखें सेम पैटर्न का, सेम लेवल का क्वेश्चन हमारा अभी चल रहा है। चूज करेक्ट वन, ये आपकी इंस्ट्रक्शन है, और क्वेश्चन जैसे लास्ट वाला था, यहां से लेकर यहां तक जो ग्रीन चौक से लिखा है वो आपका क्वेश्चन है, और ये आपके 5 ऑप्शंस है। चलिए शुरू करते हैं, पहले पढ़ेंगे द रेट ऑफ सोफेस्टिकेट क्राइम has been increasing in the society for the last few months, in which a huge involvement of educated youth have been registered who is out of the work due to COVID-19. तो pandemic का question है और pandemic का time भी है, तो चलिए देख लेते हैं। देखो इसमें क्या बताया जा रहा है कि रेट ऑफ सोफिस्टिकेट क्राइम, जो ये बहुत सोफिस्टिकेट का मतलब होता है बहुत शातिर दिमाग से, शातिर तरीके से किया गया जो क्राइम है, हैज बीन इंक्रीजिंग, वो बढ़ता जा रहा है इन द सोसाइटी, समाज के अंदर वो इस तरह के जो क्राइम है वो बढ़ते जा रहे हैं, फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, कुछ पिछले महीनों से यहां पर बोला जा रहा है, इन विच अ ह्यूज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एजुकेटेड यूथ, की बहुत ज्यादा जो सम्मिलित कौन है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड जो यूथ है वो, उनकी भागीदारी जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा है, हैव बीन रजिस्टर्ड, मतलब ऐसे पढ़े लिखे यूथ, युवा जो है इनकी जो प्रेजेंस है इस तरह की क्राइम में वो देखी गई है, वो रजिस्टर्ड की गई है, हु इज आउट ऑफ वर्क ड्यू टू कोविड, मतलब ऐसे लोग, ऐसे पढ़े लिखे युवा वर्ग के लोग जो कि इन इस तरह के जो क्राइम्स हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको भी देखा गया है कि वो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और उसका एक कारण क्या यहां पर बोला गया है कि जो कि आउट ऑफ वर्क है ड्यू टू कोविड, कि कोविड की इस समस्या, इस महामारी के कारण जहां लगभग काफी सारे जो है इंस्टीट्यूशन सब कुछ बंद हो गया, ऑर्गेनाइजेशंस बंद हो गई, उसके कारण लोग या खास करके युवा लोग, टीचिंग वर्क सबके सब बेरोजगार हो गए, और उसके कारण जो है इस तरह की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है उसमें भी इन्वॉल्व पाए गए हैं, ठीक है ना। एक मोटा मोटा हमको एक आइडिया लगा कि किसके बारे में ये है, ठीक, आप थोड़ा समझ लेते हैं कि इसके एरर इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है ना। शुरुआत से देखते हैं, देखो दोस्तों ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपके सामने है, और इसको आप पार्ट्स की तरह लो, है ना, ठीक है, पार्ट की तरह लेना है, यहां से यहां तक ये आपका फर्स्ट पार्ट है, और ये इंक्रीजिंग और इन, ये पूरा का पूरा आपका एक सिंगल पार्ट है, ठीक है, उसी तो मतलब ये आपका सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, और ये आपका फिफ्थ, 5 पार्ट है टोटल, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, देखो क्या बोला जा रहा है, द रेट ऑफ डैश, देखो इसको डैश मानो, शुरुआत कैसे हो रही है दोस्तों, द से शुरुआत हो रही है, डेफिनेट आर्टिकल है आपका द, और द के बाद रेट जो है ये आपका नाउन है, अब द देखो नाउन हुआ, उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन हुआ, ध्यान देना, नाउन हुआ उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन हुआ, और उसके बाद यहां पर सोफिस्टिकेट, देखो ऑफ है, जाहिर सी बात है जगह किसकी बनती है, नाउन की जगह बनती है, ठीक है ना, तो ऑफ के बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। अब ध्यान से पढ़ो, सोफिस्टिकेट क्राइम, ठीक है, दो वर्ड है, इसका मतलब या तो नाउन आना चाहिए, ध्यान देना, ऑफ के बाद या तो सीधा सीधा आपका नाउन आएगा, जिसमें मतलब एक ही शब्द आने वाला है, अगर दो शब्द है तो आप समझ जाए कि वो एक जो शब्द है वो आपका एडजेक्टिव है और दूसरा वाला नाउन है। देखो दोस्तों बहुत मजेदार कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान दो आप लोग, बहुत
इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आगे के क्वेश्चंस भी इस पे आपको हेल्प मिलने वाली है, ठीक है ना। तो देखो ऑफ प्रीपोजिशन है और हमको पता है कि यहां पर नाउन की जगह बन रही है। अब आप देखो कि यहां पर दो वर्ड अगर है तो एक एडजेक्टिव दूसरा नाउन होने वाला है। देखो सोफिस्टिकेट और यहां पर क्राइम, तो ये तो आपका क्या है, नाउन है दोस्तों। अब इसके पहले जाहिर सी बात है जगह हमारी ये किसकी ले रहा है, सोफिस्टिकेट ये जगह ले रहा है एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव की जगह ले रहा है और खुद अपने आप में वर्ब है, तो भाई वर्ब क्यों है, ठीक है। सोफिस्टिकेट जो है ये आपका एक वर्ब होता है, ठीक है, एक बहुत सोफिस्टिकेट कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हो, शातिर दिमागी इस तरीके से बोल सकते हो, तो ये आपका वर्ब नहीं होना चाहिए, इसको करना है हमें एडजेक्टिव। कैसे करेंगे, बहुत आसान है, पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरीके का क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था कुछ मत करो, बस उसमें ईडी लगा दो या जिसमें ई पहले से बाहर है सबसे लास्ट में है उसमें केवल डी लगा दो। जब आप ऐसे कर देते हो सोफिस्टिकेटेड अगर ये हो जाएगा तो अब ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अब ये इट इज नो मोर अ वर्ब, अब और अधिक ये वर्ब नहीं रहा, ठीक है, क्लियर हुआ, मतलब अब ये हमारा बन गया क्या, एडजेक्टिव। अब पढ़ने में देखो द रेट ऑफ सोफिस्टिकेटेड क्राइम, बिल्कुल एकदम शातिर दिमागी क्राइम, द रेट ऑफ सोफिस्टिकेटेड क्राइम हैज बीन, क्लियर हुआ, मतलब एक एरर तो हमारा निकल कर आ गया फर्स्ट पार्ट में, ठीक है ना दोस्तों, फर्स्ट वाला पार्ट हमारा रॉन्ग है, कुछ एरर है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो ये तो हो गया रेट ऑफ एडजेक्टिव फिर नाउन, अब आगे बढ़ते हैं हैज बीन, ठीक है ना। एक चीज बताओ यहां क्राइम क्या है, किस तरह का नाउन है, एकवचन या बहुवचन, भाई क्राइम, क्राइम मतलब सिंगुलर फॉर्म में आता है, भाई एकवचन क्राइम है तो जाहिर सी बात है वर्ब उसके बाद कैसा होने वाला है दोस्तों, सिंगुलर वर्ब होने वाला है, बिल्कुल यहां पर करेक्ट है, वैसे भी ये अंडरलाइन नहीं है पर समझ रहे हैं हम लोग पूरा बेसिक। तो देखो क्राइम हैज बीन इंक्रीजिंग इन द सोसाइटी, कि वो बढ़ता जा रहा है, तो ये तो बराबर है, देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस का आपका ये सेंटेंस बन रहा है, ठीक है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बन रहा है, इंक्रीजिंग बिल्कुल बराबर है, इन द सोसाइटी समाज में बढ़ता जा रहा है, तो देखो इंक्रीज के साथ इन बिल्कुल आता है, भाई कहां पर, समाज में, समाज के अंदर, मीनिंग वाइज भी बिल्कुल यहां पर सही है, मतलब सेकंड वाला सही है, कोई इसके अंदर एरर नहीं, ठीक है ना। तो देखो इंक्रीजिंग इन द सोसाइटी फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, ठीक, अब यहां जो हमको देखना है वो हमको देखना है कि ये फॉर आएगा या फिर आपका सिंस आएगा, मतलब ये हमारा सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट या जो भी परफेक्ट कंटिन्यू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपका ये सेंटेंस है और उसके अंदर जो है सिंस और फॉर भी लगाते हैं, क्या लगाते हैं दोस्तों, सिंस और फॉर। अब हमको देखना है कि यहां पर फॉर बराबर है या फिर सिंस आने वाला है, दोस्तों सिंस हमारा आता है एकदम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के लिए, बिल्कुल सटीक टाइम या जो घड़ी का समय जो होता है, क्लॉक टाइम जिसको बोला जाता है, उसके लिए हम लगाते हैं सिंस। एग्जैक्ट नेम ऑफ दिन, किसी डे का नाम, किसी मंथ का नाम, किसी ईयर का नाम, है ना, जैसे मंडे ट्यूजडे सिंस मंडे, सिंस ट्यूजडे सिंस फ्राइडे, सिंस सैटरडे सिंस जनवरी, सिंस फरवरी सिंस 1947, तो कोई एग्जैक्ट डेट हो, एग्जैक्ट ईयर का नाम हो, एग्जैक्ट कोई डे हो, ठीक है, मंथ हो, उस कंडीशन में हम लगाते हैं सिंस। और केवल पीरियड की बात करते हैं, दो दिन, दो मंथ, मेनी मंथ, फ्यू मंथ, सम मंथ, इस तरीके से फ्यू डेज, सम डेज, मेनी ईयर्स, अगर हम एकदम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो फिर हम फॉर लगाते हैं, क्लियर हुआ, पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो फॉर, अनिश्चित समय की बात करते हैं तो फॉर, निश्चित समय की बात करते हैं तो सिंस, क्लियर हुआ दोस्तों। यहां पर ध्यान से देखो, फ्यू मंथ्स कुछ महीने, अनिश्चित समय है, मतलब फॉर हमारा यहां पर बिल्कुल सही है, ध्यान देना दोस्तों, फॉर हमारा यहां पर बिल्कुल सही क्यों है, क्योंकि यहां हम अनिश्चित, कैसा समय है ये, अनिश्चित, एकदम फिक्स समय की हमें बात नहीं पता चल रही है,
केवल समय की चर्चा हो रही है, एक उसका दौरान दौरान बताया है कि इतने कुछ महीने, ठीक है ना, उस हिसाब से हमारा ये फॉर द लास्ट फ्यू मंथ बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, रेट ऑफ सोफिस्टिकेटेड क्राइम हैज बीन इंक्रीजिंग इन द सोसाइटी फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स इन विच अ ह्यूज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एजुकेटेड यूथ, ध्यान देना, जिसके जिसमें कि एक बहुत बड़े स्तर पर भागीदारी रही, किसकी, अब ऑफ आया, ध्यान देना, जैसा मैंने यहां बताया था वैसा ही इधर भी चलेगा, ऑफ के बाद एडजेक्टिव नाउन, यहां पर भी एडजेक्टिव नाउन, और देखो फॉर्चुनेटली ईडी लगा है, मतलब आपका ये एडजेक्टिव जो वर्ड है, ये आपका एजुकेटेड जो वर्ड है, ये आपका एडजेक्टिव है, और यूथ आपका नाउन है, मतलब ये यहां तक बराबर है। तो आप देखो कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ एजुकेटेड यूथ हैव बीन रजिस्टर्ड, अरे भैया यहां तो आपने हैज बीन लिखा है, और यहां हैव बीन क्यों आया, देखो यूथ जो है ये हमारा सिंगुलर नाउन है, एक वचन नाउन है, तो फिर बहुवचन वर्ब कैसे हो गया, रॉन्ग हो गया, मतलब यहां पर हैव बीन नहीं होने वाला है, हैज बीन बिल्कुल आपका यहां पर सही हो जाएगा, रजिस्टर्ड हु इज आउट ऑफ द वर्क ड्यू टू COVID-19, क्लियर हुआ, क्या दिख रहा है दोस्तों कि एरर हमारे कितने हैं, देखो एक ये हमारा एरर और दूसरा ये हमारा एरर, दो हमारे रॉन्ग है, और राइट हमारे कितने हैं दोस्तों, तो आप देखो राइट में हमारा एक तो इंक्रीजिंग एक दो और तीन जो है राइट है, और दो हमारे रॉन्ग है, बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही, देखो ऑल करेक्ट नहीं, ऑल रॉन्ग नहीं, ओनली टू पार्ट्स करेक्ट, केवल दो पार्ट करेक्ट है, ऐसा भी नहीं है, एक दो और तीन पार्ट हमारे करेक्ट हैं, इसको कैंसिल कर दिया, थ्री पार्ट्स करेक्ट, ई वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फोर पार्ट्स करेक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, क्लियर हुआ, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन था, इसी तरीके से बिल्कुल करते जाएंगे हम लोग, नए नए पैटर्न के क्वेश्चंस अभी आने वाले हैं आप लोगों के लिए, बिल्कुल आप वीडियो को ध्यान से देखें, रिपीट करके देखें अगर आपको कंसेप्ट समझ में ना आए तो। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18 आप देखें, और इस क्वेश्चन में हमको देखना है कि कहां पर आपका एरर है। ठीक है ना, तो देखो क्वेश्चन इस तरह से आपके सामने है, पांच ऑप्शंस आपके यहां पर है और हम अब देखने वाले हैं। चलिए तो जिस तरीके से पहले वाले क्वेश्चन हम लोगों ने किए उसी तरीके से हम इसको भी करने जा रहे हैं, पढ़ते हैं पहले, देखो क्या लिखा है, द एग्जाम patterns in India for all classes have been deep reviewed by a committee and a lot of suggestion have been given to the government to be implement soon, that is within coming 10 to 15 years according to NEP. NEP का full form National एजुकेशन प्रोग्राम, इस तरह से कुछ होता है। ठीक है ना, तो ये सेंटेंस आपके सामने है दोस्तों, चलिए समझने की इसको कोशिश करते हैं फिर एरर सॉल्व करेंगे। देखो मैं शुरुआत से ही एरर सॉल्व नहीं करवाता हूं, सबसे पहले तो जो हमारे सामने लिखा है उसकी समझ कम से कम 20-25% उसकी समझ तो कम से कम हमको होना चाहिए कि भाई वो किसके बारे में है, वो सेंटेंस किसके बारे में है, और उस हिसाब से फिर हम क्या करने वाले हैं, एक जब हम एरर सॉल्व करने बैठेंगे तो एक बहुत अच्छी समझ के साथ, एक पूरा क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के साथ हम उस एरर को अप्रोच करने वाले हैं। ठीक है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा समझने पे जोर देता हूं, और जब खास करके बात करें मेंस लेवल की तो हमारी समझ तो मजबूत होना ही चाहिए दोस्तों, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, क्लियर हुआ, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो क्या इसके अंदर बोला गया है कि एग्जाम पैटर्न्स इन इंडिया, कि ये जो भारत के अंदर एग्जाम्स की पैटर्न, की एग्जाम का जो पैटर्न, मतलब जो परीक्षा लेने का जो पैटर्न है, जो तरीका है, परीक्षा कंडक्ट होती है जो तरीका है, फॉर ऑल क्लासेस, सभी क्लासेस के लिए
हैव बीन डीप रिव्यूड, कि वो बहुत गहराई से उसको क्या किया गया, रिव्यूड किया गया, उसको वापस से रीचेक किया गया। किसके द्वारा, किसके द्वारा किया गया, बाय अ कमिटी, एक कमिटी जो बनाई उसके द्वारा किया गया। एंड और क्या किया गया, अ लॉट ऑफ सजेशन हैव बीन गिवन टू द गवर्नमेंट, कि बहुत सारे क्या दिए गए, सजेशंस दिए गए, सलाह दी गई किसको, गवर्नमेंट को, टू बी इम्प्लीमेंट, ताकि वो क्या कर सके, वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है, सून जल्दी ही उसको इम्प्लीमेंट कर सके। अब देखो दैट इज का मतलब, इसको और ब्रीफ में बताया कि वो एग्जैक्टली किस तरह से इंप्लीमेंट कर सके, दैट इज विद इन 10 टू 15 ईयर्स अकॉर्डिंग टू एनईपी। ये बोला गया कि 10 से 15 सालों के बीच में बिल्कुल उसको जो है लागू कर सके, उसको इंप्लीमेंट कर सके। और ये पूरा का पूरा जो रिपोर्ट है यहां से लेकर यहां तक, ये किसके हिसाब से है, किसके अंतर्गत है, ये है दोस्तों एनईपी के हिसाब से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, ठीक है, क्लियर हुआ, आई होप मीनिंग आप लोगों को क्लियर हुआ। और ये यही बताया जा रहा है इसके अंदर कि भारत में जो एजुकेशन पैटर्न है सभी क्लासेस के लिए, उसको वापस से रिव्यू किया गया, उस पर एक बार फिर से रीथिंक किया गया कमिटी के द्वारा, और बहुत सारे जो सजेशन है, जो सलाह वगैरह जो है गवर्नमेंट को दी गई है ना, ताकि वो उसको क्या कर सके, जल्दी ही जो चेंजेस हैं उनको लागू कर सके 10 से 15 साल के बीच में, ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों। तो ये तो हमारा मीनिंग था, आप चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से आप देखो द से शुरुआत है और द एग्जाम पैटर्न्स, ठीक है, अब ध्यान देना द है हमारा, ये हमारा दोस्तों आर्टिकल है, आप लोगों को ये पता है कि ये हमारा कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है द, ठीक है, एक निर्धारित एकदम निश्चित बात बताता है भाई, एग्जाम पैटर्न मतलब उस पर्टिकुलर एग्जाम की जो पैटर्न्स है उसकी बात हो रही है, और पैटर्न्स क्योंकि एस लगा है मतलब ये आपका यहां पर प्लूरल नाउन है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है, कोई इशू नहीं, हमारा ये प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है भाई, अच्छी बात है, सब्जेक्ट बन रहा है, आगे चलकर जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा, ठीक है, इसके हिसाब से होगा। तो एग्जाम के जो पैटर्न्स है ध्यान देना, ये हमारा यहां पर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो फर्स्ट वाला हमारा जो पार्ट है जो कि नंबर वन है, चलिए ये देख लेते हैं नंबर वन पार्ट, और ये नंबर टू पार्ट, और दोस्तों अ लॉट ऑफ सजेशन पूरा का पूरा नंबर थर्ड पार्ट है, और इसी तरीके से बी इंप्लीमेंट नंबर फोर्थ पार्ट है, ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाला पार्ट हमारा बिल्कुल प्रॉपर है, कोई इसके अंदर एरर नहीं है, ठीक है ना। तो देखो एग्जाम पैटर्न्स इन इंडिया फॉर ऑल क्लासेस, सभी क्लासेस के लिए, और ये देखो Have singular verb आ गया, मतलब बिल्कुल बराबर है, क्यों, क्योंकि आपका singular, sorry गड़बड़ हो गई, singular नहीं plural verb यहां पर आ गया, ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर noun आपका plural है और subject और verb का agreement बिल्कुल बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो आप देखो यहां पर classes have been, यहां तक correct है, first हमारा correct, second सेकेंड जो है कोई हमारा पार्ट ही नहीं है, तो इसको करेक्शन की तो बात नहीं। हैव बीन, आगे बढ़ते हैं, हैव बीन डीप रिव्यूड, अब ध्यान देना जरा, ठीक है, अब हम आ गए हैं सेकेंड पार्ट पर, ध्यान देना दोस्तों, डीप रिव्यूड लिखा है, ठीक है, अब देखो हैव, उसके बाद बीन, ठीक है, और उसके बाद आप इसको एक मिनट के लिए भूल जाओ और इस पर ध्यान दो भाई, रिव्यूड तो हैव बीन रिव्यूड, दिस हैड बीन टॉक्ड, या फिर हैव बीन गॉन, तो यहां क्या दिखाई दे रहा हैव, उसके बाद बीन, और उसके बाद वर्ब का, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई हमको दे रहा है, ठीक है, अब थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है तो मैं आपको गारंटी बता दूं कि उसके बाद आपका एक प्रीपोजिशन भी आपको दिखाई देने वाला है, ठीक है दोस्तों। और ये देखो आपका प्रीपोजिशन, और ये अगर आपका स्ट्रक्चर आने वाला है तो समझ जाओ कि हमारा सेंटेंस किसमें है दोस्तों,
पैसिव वॉइस में है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। तो किया गया इस तरीके से इसका मतलब है कि एग्जाम पैटर्न जो है भारत में सभी क्लासेस के लिए वो रिव्यू किया गया। कहा था मैंने कि किया गया, इस तरह से मीनिंग आता है, पैसिव है और बिल्कुल सही है। तो स्ट्रक्चर हमारा सही, मतलब ईडी जो लगा है ना, ईडी जो लगा है ये बिल्कुल बराबर है, इसमें कोई एरर नहीं। फिर एरर कहां है भैया, तो आप देखो डीप रिव्यू। अब दोस्तों ये सबसे पहले तो आपका वर्ब है, क्या है वर्ब है, कौन सा मेन वर्ब, फॉर्म कौन सा थर्ड वाला, लेकिन इसके पहले वाला वर्ब क्या होगा भाई, ये वर्ब है तो जाहिर सी बात है कि ये आपका एडवर्ब होने वाला है दोस्तों। क्या होने वाला है, एडवर्ब होने वाला है, और एडवर्ब जब आता है तो उसके साथ उसकी एक पूछ जो है एल वाई वो भी आती है। भाई पूछ तो लगाओ, ठीक है, तो ये डीपली, ठीक है, जोक सपाट। आप याद रखो कि एडवर्ब जो है, ज्यादातर जो एडवर्ब है वो आपके एलवाई के साथ में आते हैं, ठीक है ना, किसके साथ में आते हैं, एलवाई के साथ में आते हैं। आप देखो यहां पर हैव बीन डीप रिव्यू नहीं होगा, ठीक है, डीप रिव्यू नहीं होगा, क्योंकि डीप क्या होता है, डीप आपका एक एडजेक्टिव भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है, बट हमको यहां पर एडवर्ब चाहिए, एक ऐसा शब्द चाहिए जो हमारे क्रिया को और अधिक उसके बारे में बता पाए। तो जाहिर सी बात है एडवर्ब होगा तो डीपली बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि आप देखो हैव बीन डीपली रिव्यूड, इसका क्या मतलब है, सीधा सीधा पार्ट सेकंड जो है वो हमारा रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं तो देखो डीपली रिव्यूड बाय अ कमिटी, किसके द्वारा किया गया, कमिटी के द्वारा, एंड आगे देखना एंड अ लॉट ऑफ। अब इसका मैंने आप लोगों को बताया था एक रूल, कभी भी अ लॉट ऑफ आया, अ नंबर ऑफ आया, द नंबर ऑफ आया, इस तरह का कुछ भी ऑफ आया, समझ जाओ कि आपका जो नाउन है वो प्लूरल होने वाला है। नाउन जो है ना दोस्तों वो कैसा होने वाला है, वो प्लूरल होने वाला है। आप देखो अ लॉट ऑफ सजेशन नहीं होता है, अ लॉट ऑफ सजेशंस, अ लॉट ऑफ बॉय नहीं होता है, अ लॉट ऑफ बॉयज होता है, अ लॉट ऑफ गर्ल्स होता है, अ लॉट ऑफ गॉसिप्स होता है, ठीक है, एस लगता है, इसका मतलब यहां पर भी हमारा एरर है, ठीक है ना, सेकेंड वाला भी, थर्ड वाला जो है वो भी हमारा रॉन्ग हो गया। आगे बढ़ते हैं तो देखो सजेशंस, और क्योंकि प्लूरल नाउन है तो भाई प्लूरल वर्ब तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना, तो सजेशंस हैव बीन गिवन टू द गवर्नमेंट टू, आगे बढ़ते हैं टू बी इंप्लीमेंट। अब ध्यान देना बी कहीं भी आया उसके बाद वर्ब लगाया तो भाई वर्ब कौन सा लगाओगे, ध्यान देना कौन सा लगाओगे वर्ब, जगह दे दो भाई ये रहा, देखो बी अगर आता है तो उसके बाद वर्ब आपका या तो आईएनजी या फिर थर्ड फॉर्म सेकेंड या फिर वी थ्री या वी टू लगने वाला है, ठीक है, वर्ब सेकेंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म लगने वाला है। तो बी, अब यहां पर देखो गवर्नमेंट टू बी, आईएनजी का कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, इंप्लीमेंटिंग ऐसा नहीं आ रहा है, ईडी यहां पर लगने वाला है कि टू बी इंप्लीमेंटेड, क्या होने वाला है, इंप्लीमेंटेड होने वाला है, इंप्लीमेंट हो किया जाने वाला है इस तरीके से। तो यहां पर इंप्लीमेंट नहीं होने वाला है, यहां पर क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां पर होने वाला है दोस्तों। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एरर हो गया कि इंप्लीमेंटेड सून, ठीक, क्या मतलब है इसका कि 10 टू 15 ईयर्स में जो है ये इंप्लीमेंट होने वाला है, होने वाला है किसके हिसाब से, एन ई पी के हिसाब से, ठीक है, क्लियर हुआ। इसका मतलब यहां पर क्या देखने में आया है कि केवल फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो करेक्ट है, बाकी के हमारे जो है कितने पार्ट, 1 2 3 4 टोटल है, बाकी के 3 पार्ट हमारे रॉन्ग है दोस्तों। बताओ जरा, आप बताओ जरा कौन सा वाला आंसर हमारा, ऑप्शन हमारा सही है भाई, सभी करेक्ट नहीं है, सभी रॉन्ग नहीं है, वन पार्ट इज करेक्ट, बिल्कुल सही, फर्स्ट पार्ट जो है वो ही हमारा करेक्ट है, बाकी रॉन्ग है, टू पार्ट सर करेक्ट नहीं, और थ्री पार्ट सर करेक्ट नहीं होगा, थ्री पार्ट सर रॉन्ग हो सकता था बट कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता, दो दो ऑप्शन हो जाते, मतलब सी वाला ऑप्शन दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट है, कोई इश्यू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, क्लियर हुआ।
जैसा मुझे दिक्कत नहीं, आप लोगों को भी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।